हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हम सीएससी यूज़ करते हैं उसके अंदर डीएम और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्तियां आती है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। तो वो भर्तियाँ हम किस प्रकार से दे सकते हैं, उनके लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए हमको क्या क्या मान लो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, ये साइट आप कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं और मोबाइल में भी खोल के देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आपका कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउजर ओपन करोगे तो ब्राउजर के अंदर आपको टाइप करना होगा, इसके अंदर सिर्फ सी एस सी टाइप करके आपको नेक्स्ट बटन पे ओके करना है। जैसे आप सी एस सी टाइप करके नेक्स्ट बटन पे ओके करोगे तो आपके सामने एक डेस्कटॉप साइट आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो आपको इस पे ओके कर देना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो यहाँ पे साइट आ जाएगी csc.gov.in। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको इसमें सभी ऑप्शन को करना है इग्नोर और डायरेक्ट आ जाना है करियर वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस ऑप्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा सिक्किम के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती चल रही है फिलहाल, और त्रिपुरा में है, जम्मू में है, कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। तो आप इनमें से जिस भी स्टेट में जाओ, जिस भी स्टेट के आप मूल निवासी हो, उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। जैसे मान लो मैं अभी आपको पंजाब का खोल के दिखाता हूँ। जैसे हम पंजाब पे ओके करते हैं तो हमको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखा देता है जिसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती है, पंजाब में भर्ती है, टोटल वैकेंसी है 5 और मोगा की एक। जैसे मान लो मोगा की एक है, ये जो सीट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से निवासी है वहाँ भी उसकी सीट देख सकते हैं। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो आपके पास में। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात आती है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट CCC हो, NIL IET हो, या फिर 6 महीने का मिनिमम आपके पास में कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा हो, कंप्यूटर साइंस से कोई भी डिप्लोमा हो वो चलेगा इसमें। और नीचे इसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंस है, तो एट लास्ट टू ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनली इन IT रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और इसमें आपको सैलरी मिलेगी वो है 25,000 रुपये, जिसमें आपका TDS वगैरह कट के आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और इसमें नीचे आता है अदर टर्म कंडीशन, तो आपकी अदर जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में करके दिखा देता हूँ, आप भी इसको हिंदी या फिर इंग्लिश में जैसे भी पढ़ना चाहो आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्त में इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्ट साइट पे जाके देख सकते हैं। साइट के लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें 24 से 35 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए और आयु में छूट भी दी जाती है इसमें। जैसे मान लो OBC के लिए, SC ST के लिए इसमें छूट भी मिलेगी। वो उसकी लास्ट डेट है 3 तारीख, जो भी इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन हमको आवेदन करने होंगे। अगर मान लो आप कोई भी जॉब में हो, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इसमें देना होगा। और जो CSE VLE है, मतलब जिनके पास में CSE ID है, वो इस पद के लिए पात्र नहीं है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करवा सकते हैं। और इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा की जरूरत पड़ेगी इसमें। जैसे मान लो आप पंजाब से निवास कर रहे हैं तो आपको पंजाबी का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जहाँ की स्थानीय भाषा है उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और इसमें जो भी नीचे दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको एक रिज्यूम चाहिए और रिज्यूम के साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। इसमें आपको जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उन्हें साक्षात्कार सत्यापन के लिए नीचे लिखित उतरे डॉक्यूमेंट के साथ मूल, मतलब जिनको सफल किया गया, जिनको मान लो सेलेक्ट किया गया है, जिनका इंटरव्यू होना है डायरेक्ट, ये इंटरव्यू बेस पे भर्ती है, जिनका इंटरव्यू होना है उनको ये जो नीचे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है इन डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे जाना होगा, जहाँ पे आपके पास में आपकी ईमेल से आपके पास में एड्रेस आ जाएगा तो वहाँ पे आपको जाना होगा। तो इसमें ज्वाइनिंग के समय आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है प्रशासकीय योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, या फिर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास में 10वीं मार्कशीट इसमें चलेगी। उसमें दिया सभी मार्कशीट चाहिए आपको, जितनी भी आपकी मार्कशीट है 10वीं 12वीं BA 1st year 2nd year final, यहाँ पे आपके पास जो भी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे चाहिए, BSC की जो भी आपके पास में मार्कशीट है वो चाहिए। और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास मूल निवास भी होना चाहिए। और जो इसमें दिया है केवल सरकारी उम्मीदवारों के मामले में नो
एनओसी मतलब आप अगर मान लो कोई जैसे मतलब सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आपके पास में एनओसी भी होनी चाहिए। और आवेदन जमा करने की तिथि है वो है लास्ट डेट है इसकी 3/7/2020 है। उसमें जो भर्ती दी हुई है वो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मान लो जिला प्रबंधक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती है, इसमें 24 से 25 के बीच उम्र होनी चाहिए और उम्र में छूट भी दी जाएगी। और इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। उनसे डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्म कैसे भी किस प्रकार से फिल करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट सिंपली उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता हूँ जिस लैंग्वेज में ये है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेजर बनना चाहते हो अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप जिस भी आप स्टेट से निवास कर रहे हो वो। उसके बाद में आप जिस भी जिले की आपको भर्ती चाहिए, आप जिस भी जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो जिला आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं मोगा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, जिला आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी जिला है वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, तो आपको यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड करनी होगी और आपका यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना होगा। फोटो के साइज 100 के भी होना चाहिए और रिज्यूम का साइज भी 100 के भी होना चाहिए। तो उसके बाद में दिखाएगा प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर एक ऑप्शन आ रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ आपका नाम भरना है, फादर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका जेंडर जो भी है वो सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, स्टेट आ गया पंजाब। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो, जैसे मान लो इन पाँच डिस्ट्रिक्ट की, चार डिस्ट्रिक्ट की, पाँच डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस पूरा सेलेक्ट करना होगा, लिखना होगा एड्रेस, आपका पिन कोड, बाद में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर आपके पास में कोई अदर क्वालिफिकेशन तो भी आप वहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आता है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम आपको 2 साल का तो होना चाहिए। अगर मान लो 2 साल से आपको ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मान लो 5 साल का है, 6 साल का है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में आता है आपको एक्सपीरियंस किस प्रोजेक्ट में है, जैसे मान लो आधार के प्रोजेक्ट में है, यूआईडी के प्रोजेक्ट में है, या फिर सीएससी के प्रोजेक्ट में है, या फिर ई गवर्नेंस सर्विस मतलब सरकार की जितनी भी कोई मान लो आपके पास में कोई भी डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन कर रखा है प्राइवेट बेस पे, उसका आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास जिस भी प्रकार का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मतलब आपका कौन सा आपके पास में कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जैसे मान लो CCC है, ओ लेवल है, बी लेवल है, या फिर पास में आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी है, जैसे मान लो आपके पास 6 साल का, 6 महीने का जो कंप्यूटर साइंस का सर्टिफिकेट होता है वो है, जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है जिस मतलब आप ग्रेजुएशन हो तो आपको ग्रेजुएशन पे टिक करना है। जैसे आप ग्रेजुएशन पे टिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने BSA कर रखी है, BSc कर रखी है, फिर BCom कर रखी है, फिर BBA कर रखी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद अगर मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा देगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आपको जैसे मान लो मैसेज या फिर ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो अगर मान लो आपका शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मैसेज या फिर ईमेल के माध्यम से सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो जानकारी आपको जरा सी भी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लगभग जिसको CSC की में कोई ज्वाइन होना चाहता है, किसी के पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।